अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और इसको मौजूदा हफ्ता 9-15 अप्रैल 2018 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और हफ्ता शुरू करने से पहले हस्बे मामूल एक दो बातें। एक तो इस हफ्ते के अंत तक अतारत जो था उसका जो चल रहा था सिलसिला ग्रुप हुआ था वो तलू हो जाएगा अगला हफ्ता शुरू होते ही पहले दिन से। तो जो भी आपके असरात थे नया चांद जो था वो भी बिल्कुल एक दो दिन में अपीयर हो जाएगा 16 या 17 को। तो ये चीज़ें जो है ये टाइम आपको वो मौके फ्राहम कर रहा है कि पिछले दिनों में जो कुछ आपके साथ हुआ आपने देखा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और उसके मुताबिक ही अपना लायामल तय करने की कोशिश कीजिएगा। चूँकि अगले हफ्ते में गालबन एक दो स्टार कुछ और अपने सफ़र पर रवाना होंगे यानी उनके असरात जो हैं वो ज़ाहिर कम हो जाएंगे। तो इसलिए आपको अभी से अच्छे फैसले करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसके अलावा चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है बहुत शुक्रिया, नहीं किया तो कर लीजिएगा। नए नए जो लोग आते हैं तो मेरी ख्वाहिश भी होती है कि उनको बता दिया जाए कि आपको यही कुछ करना है। और वैसे तो आजकल बस इतने लोग कॉम्पिटेंट हैं इतना स्किल्ड हैं कि उनको ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन रिमाइंड करने से कुछ चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और उसके बाद आइकॉन जो बेल का है उसको ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि आपको अपडेट जो हैं वो फौरी तौर पे मिलते रहे। तो अब सिर्फ शुरू करना है हमें मौजूदा हफ्ता। बुर्ज हमल एरीज मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख तमाम मजा चले 10वें और अपने शर्फी घर में 10वें और 11वें घर के मालिक जो या हाकिम है जोर उसके हमरा मौजूद होगा जिसकी वजह से अजीब गरीब ख्वाहिश जो है वो सामने आएंगे यानी बहुत ज़्यादा उसके असरात जो हैं वो शायद आपने उसकी तवक्को नहीं होगी। ये वो बहुत अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी हो सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपका बेसिक स्टार जो है जिसको जन्म कुंडली कहते हैं जब टाइम ऑफ बर्थ जो था आपका उसके मुताबिक जो बर्थ चार्ट बना हुआ उसमें आपके स्टार की पोजिशन क्या थी उसके मुताबिक ही उसके असरात आप पर होंगे। अगर ओवरऑल मैं कहूँ तो मिले जुले असरात होंगे यानी कुछ अच्छे और कुछ बुरे सारा कुछ मलगूबा। आप देखना ये है कि बाजार में सौदा मौजूद है अच्छा भी है बुरा भी है आप क्या खरीदते हैं आपकी कोशिश क्या है आपने किस तरह से अपने आप को तैयार किया हुआ है। क्योंकि स्टार जो है उन्होंने सिर्फ सोच पैदा करनी है आपको धक्के नहीं मारने पुश नहीं करना आपको सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर सोच पैदा करके आपको एक्टिव करना है। 11 और 12 अप्रैल को मरीख जरूरत तसलीस होने की वजह से आपकी तख्लीकी और तामीरी सोच की वजह से सेहतमंदाना इकदाम करने में आप कामयाब हो सकते हैं। इससे आपका अरमान भी माहौल भी खुशी का बायस बन सकता है। 14 और 15 अप्रैल को मरीख नेपच्यून तसलीस होने की वजह से हकाइक के मुताबिक फैसले करने की लगन बढ़ सकेगी। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अपने जज्बात की भरपूर अक्कासी यानी अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर करने में अपनी फीलिंग्स को अपने थॉट्स को या आपके जो नज़रियात हैं उनको हाईलाइट करने में आप कामयाब हो सकेंगे। मज़ीद जानने के लिए मज़ीद पढ़ने के लिए अपना हफ्ता अपने बारे में बहुत कुछ विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा दौरा यकम था 24 अप्रैल आपके तालिबे रहते हुए आपके अंदर जो पॉजिटिव थिंकिंग है मुस्बत सोच जो है उसको जन्म देने का सबब बनेगा जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी यानी तख्लीकी सलाहियतें जो है वो निखर सकेगी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। 11 और 12 अप्रैल को जोरा मरीख तसलीस होने की वजह से आपके तख्लीकी और तामीरी जो काम है उनकी शुरुआत हो जाएगी। अगर आप कुछ इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं तो बस शुरू हो जाइएगा तैयारी कर लीजिएगा कमर कस लीजिएगा। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट आएंगे वो आएंगे आपकी उस सोच पे जिसकी वजह से आपकी जो तवज्जो है वो आपकी घर की जानिब रहेगी यानी घरेलू तज़ीनो आराइश डेकोरेशन और इसके मुताबिक को छोटा मोटा काम करने अपने घर को अच्छे तरीके से डेकोरेट करने में आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। 12 और 13 अप्रैल को जोरा नेपच्यून तसलीस होने की वजह से आपकी जो दरीना ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील के लिए आप अपने आप को एक्टिव कर पाएंगे जदोजहद कर सकेंगे आगे बढ़ सकेंगे। जबकि इश्क व मोहब्बत की अमूर जो उनमें भी आपकी दिलचस्पी मज़ीद बढ़ेगी और अगर बढ़ेगी नहीं तो बरकरार जरूर रहेगी। इसलिए देखिएगा कि आपकी लिमिट्स क्या हैं आपने अपने आप को कहाँ तक रखना है ये आपने फैसला करना है। बुर्ज जौजा जेमिनी मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारा तमाम मदद है कि 11वें घर में रहती हुई यकम तक 15 अप्रैल चूँकि रुजत की हालत में होगा यकीनन है इसी का भी जिक्र भी मैंने किया है
स्टार्ट शुरू करने से पहले, जिसकी वजह से हल्का अहबाब से वाबस्ता या आपके सराउंडिंग में जो लोग मौजूद हैं उनसे जो आपकी तवक्कात थी, कुछ प्रोजेक्ट थे, वो प्रोजेक्ट यकीनन रुक जाएंगे। कुछ तवक्कात जो हैं वो मायूसी का सबब बन सकती हैं, उम्मीदें टूट सकती हैं, तवक्कात आपकी थोड़ा सा, यानी इसकी वजह से बंदा जैसे हर्ट हो जाता है कि यार ये क्या ज़िंदगी है, मैंने ये कहा था, इन्होंने ये किया था, सारा कुछ है मलियामेट हो गया, एकदम से ये टिल्ट हो गए। बड़े अच्छे लोग थे, बड़े मेरे हमदर्द थे, खैर ख्वाह थे, लेकिन नहीं है भाई स्टार मूवमेंट से। वो भी बेचारे अपने मामलात में फंसे होंगे, इसलिए उनको अजरा थ्रो होने दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि अगले हफ्ते में उन लोगों का रवैया आपके साथ क्या है। तो इसलिए ज़रूर अपने आप को एकदम से कोई सख्त फैसला करने से बाज रखिएगा। और बस दूसरा जो है वो अपने आप को मामूल से ज़्यादा जो है वो मुहतात रखिएगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा चीज़ों में फैलाइएगा नहीं, अपने आप को जहाँ है वहीं रखिएगा। बहुत ज़्यादा एज्यूम करके बंदा गलती कर जाता है, तो ऐसा काम नहीं करना। बुर्ज सप्तान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपके हाकिम सितारे कमर का नहज क्याम जो है, पिछले हफ्ते भी कुछ जगह था, इस हफ्ते में 9 अप्रैल का भी दिन उसी कंटिन्यूटी में आएगा, 3-4 दिन पीछे चल रहे थे। तो इस दौरान आपको जो भी कोई काम करना है वो तो इंतहाई एहतियात से करना है, मुहतात रह के करना है। और अगर कोई नया काम करने की आपकी सोच है, आपने प्लान किया हुआ था, तो उससे इतना बरतिएगा, गुरेज कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा ऐसे फैसलों को, वरना गड़बड़ हो जाएगा। और अगर कोई बहुत मजबूरी भी है तो उसके लिए इंतहाई सोच विचार से काम लीजिएगा। इसके साथ साथ खाना माल का जो हाकिम है आपका सितारा, वो शम्स यकम था 20 अप्रैल जो है वो शर्फी घर में होगा, जिसकी वजह से 9 अप्रैल को जब अगर इधर आपके कमर का जो क्याम है वो नहस है, तो जो शम्स है वो बहुत अच्छे है, जिसको जस्ट लाइक आप यूँ करें जैसे शर्फी दरिया से गुजरा, क्योंकि यहाँ से सफ़र करते करते इसको आगे और मजीद उरूज की तरफ जाना है, बेहतरी की तरफ जाना है, पॉजिटिव होना है। तो इसकी वजह से आपके जो माली मुश्किल हैं उनका खात्मा यकीनन मुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा आमदनी के नए वसाइल जो हैं वो भी मुहैया हो सकेंगे, आपके सामने आ सकेंगे, जिसको कहेंगे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अब अवेल करना आप पे है कि आप किस लेवल पे हैं, किस तरह की हैं आपकी बेसिक एजुकेशन ट्रेनिंग और आपकी सलाहित क्या है, उसके मुताबिक आप फैसला करने में कामयाब रहेंगे, यकीन सारे मामला सेटल हो सकेंगे। और अपने हफ्ते का तफसीली जायजा पढ़ने के लिए, मज़ीद अपने बारे में जानने के लिए विज़िट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम तक 20 अप्रैल जायजे के 9वें और अपने शर्फी घर में क्याम बिजी रहते हो, आपके आला तालीम के वसूल की जो लगन है और बैरून मुल्क सफ़र करने की जो ख्वाहिश है उसको कोशिश करने से ही पूरी करने में आपका साथ दे सकेगा। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो स्टार आपको पुश करके कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाएगा। 11 और 12 अप्रैल को शम्स प्लूटो तरबी होने की वजह से जिनसे मुखालिफ से मुहतात रहने की ज़रूरत आपको पेश आ सकती है, जबकि दूसरों से मामला शेयर करके खुद को ताज़ा दम बना सकेंगे, मगर अपने कीमती राज, अपने सीक्रेट्स दूसरों से शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है। और पहले भी यकीनन चूँकि शम्स वाले जो अंदर खुले दिल के होते हैं तो ऐसी बातें कर जाते हैं, तो अपने आप को ज़रा थोड़ा सा लिमिट में रखिएगा। हर वो बात जिसका ताल्लुक आपके मुखातिब से, जिसके साथ भी आपकी बात हो रही है, अगर उससे आपके किसी काम का ताल्लुक नहीं है तो उस बात का जिक्र उससे कभी मत कीजिएगा। बुर्ज शिमला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा तारा तमाम अजहर के 8वें घर में रहते हुए यकम तक 15 अप्रैल दुर्जत कालज में होगा, जिसकी वजह से आपके विरासती और कानूनी मामलात जो हैं उनमें कुछ मसाइल जो हैं वो जन्म ले सकते हैं, जबकि मुश्तरक कारोबारी उमूर में आपको अगर एहतियात करना है तो माली जो मामला है उनकी निगरानी अत्यंत जरूरी है, वरना फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, चीट हो सकते हैं आपका कोई एग्रीमेंट जो है वो फेलियर की तरफ जा सकता है, तो बी केयरफुल। बुर्ज मीजान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा दौरा यकम तक 24 अप्रैल जायजे के 8वें घर में रहते हुए आपकी कुव्वत फैसला को कमजोर बनाने का सबब बन सकता है, इसलिए तजर्बाकार अफराद या बुजुर्गों से मशावरत करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। 11 और 12 अप्रैल को जोर अमरीकी तसलीस होने की वजह से आपके रोमानवी उमूर जो है खुशगवार और मुश्तरक मफादत के काम जो है खास से पॉजिटिव हो सकते हैं। बुर्ज अक्रब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक तमाम अजहर के तीसरे घर में रहते हुए बहन भाइयों और अजीजों का आपसे मेल मुलाकात के दौरान बिलखसूस सफर के दौरान खासा मुहतात रहने का आपको इंतबाह करता रहेगा।
आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा, जबकि जैलिया का प्लूटो तमाम मजाजी के तीसरे घर में ही क्या नजर रहेगा। 11 और 12 अप्रैल को प्लूटो शम्स तरबी होने की वजह से आपके आज दिन जो है वो आपके लिए मिसाइल का सबब बन सकते हैं। जिनसे बचाव के लिए यकीन सदका देना सबसे बेहतर तरीका है। इसके अलावा अपना इस्म आज़म पढ़ना, नवाफिल की अदायगी, और ख़ास तौर पर अगर आपको इनसे बचने के लिए लोहे सवा से आगान अगर आपको मौका मिल जाए या आपके रिसोर्सेज आपके वसाइल इजाज़त दें तो ज़रूर हासिल कीजिएगा, और खाली उसको रखिएगा नहीं, उसके सदकात भी दीजिएगा, उसके नवाफिल और उसके इस्म आज़म भी ज़रूर लीजिएगा जहाँ से भी आप ये करें। और अगर नहीं होगा तो हम हाजिर हैं आपकी खिदमत करने के लिए, ताकि हमेशा के लिए आप किसी भी स्टार की नफसत आ जाए, आपके हाथ दिन आ जाए, जादू टोना बंदिश का मामला आ जाए, तो उससे आपकी जान बच सके। अपने आप को बचाना या बचा के रखना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। तो इसके अलावा आपको इस दौरान किसी किस्म के भी कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना काम खराब हो जाएगा। 11 और 12 अप्रैल को ही मरीख दौरा तसलीस होने की वजह से आपकी तवज्जो घरेलू जो तजीन व आरइश है, घर को सजाने संवारने और डेकोरेट करने की तरफ जा सकती है, जबकि आपका मानवी मामला जो है वो खासा खुशगवार नहीं है। 14 और 15 अप्रैल को प्लूटो और मुश्तरी तसलीस की हालत में होंगे, जिसकी वजह से आप अपने जज्बात की भरपूर अक्कासी करने में कामयाब रहेंगे, अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे, दूसरों के सामने अपनी बातें लाने में आपको खुशी तो मिलती ही है, बहुत सारा आप बोलते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते चले जाते हैं, बड़े लॉजिक से बोलते हैं, तो लेकिन इसके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। और अगर किसी मौजू के बगैर किसी मकसद के बगैर बोलेंगे तो आपकी सलाहियतें ज़ाया हो जाती हैं। तो मज़ीद जानने के लिए अपने हफ्ते की डिटेल और अपनी ज़ात के बारे में अपने बारे में पढ़ने के लिए विज़िट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज कॉस सेगटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आज मिजारा मुश्तरी तमाम मजाज के 12वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा। यहाँ आपको खास दिन के अलावा मौजूदा जो अखराजात हैं उनके मतलब भी प्लानिंग करना पड़ेगी, अपने आप को संभालना पड़ेगा, और जो आपकी ज़रूरियात हैं वो जब सामने आएंगी तो वो देखिएगा कुछ ऐसे सीक्रेट दूसरों के सामने ना आ जाएँ जो कि बाद में आपके लिए कुछ ऐसे रेग्रेट होता है, बंदे के अंदर कुछ तासुब पशमानी आ जाती तो उसे बचने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा तमाम मरीख और जोहल जो है उसके खानमाल में मौजूदगी की वजह से आपको अपनी माली मनसूबाबंदी पर खास तौर पर तवज्जो देना चाहिए, चूँकि इमरजेंसी एक्सपेंस आ सकते हैं या ऐसा कुछ सिलसिला हो सकता है कि मेहमानों की भरमार हो जाए तो क्या करेंगे आप, उसके लिए आपको मेंटली जो है ना वो प्रिपेयर रहना चाहिए। 14 और 15 अप्रैल को मुश्तरी प्लूटो तस्दीस होने की वजह से खास मकासद का हसूल, जो आपने पहले से तय किया वो आपका सेट टारगेट है, उसको कामयाब उसको उसका हसूल जो है वो मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि स्टार आपको फेवर कर रहे हैं। लेकिन मुस्बत और मुस्तहकम मनसूबाबंदी करने के अलावा मजबूत फैसलों की जरूरत भी पेश आ सकती है। ऐसे नहीं है कि बस सोचा और उठ के चल पड़े बगैर प्लानिंग के, ऐसा नहीं करना भी नहीं चाहिए और होगा भी कुछ नहीं। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दौलत मोहम्मद आपके ताले में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आप जज्बाती कैफियत का शिकार हो सकते हैं, और जो बंदा जब जज्बाती होता है एक्साइटेड होता है तो फिर बहुत सारी जहाँ अचीवमेंट्स हो सकती हैं बहुत आगे बढ़ सकता है, वहाँ ब्लंडर भी होते हैं, और ये सारे के सारे जज्बातियत में होते हैं, तो बी केयरफुल। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दोस्त मामा दर्जे के 12वें घर में मौजूद रहकर अपनी अहमियत का इजहार करता रहेगा, यानी आपको बताता रहेगा कि मैं हूँ भाई अभी, तो इस चीज़ को आप इग्नोर भी नहीं कर पाएंगे। तो जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे कि हाँ यार ऐसा कुछ है तो ओके, फिर उसके असरात क्या हैं आपके सामने आ जाएंगे, जबकि आपका जैलिया कमजोरनेस बदस्तूर दर्जे के 3वें घर में क्या रहेगा। ये इस हफ्ते का अमूमी जायजा है, तफसील जायजा आप पढ़ सकते हैं वेबसाइट पर आके। बुर्ज हॉट पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मजाज के 9वें घर में रुजत की हालत में मौजूद रहकर हसूल तालीम में आपकी दिलचस्पी को बढ़ाने का सबब बनेगा, जबकि जैली अकम नेचुन तमाम ताले में रहते हुए 12 और 13 अप्रैल को जोर से तस्दीस बनाएगा, जिससे अपनी दहरीना ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन हो पाएगी। लेकिन लेकिन सबसे खतरनाक काम है आपके इश्क मोहब्बत के जो मामला है, प्यार मोहब्बत का कह लें, कुछ लोगों को इश्क के लफ्ज़ से ज़रा नफरत भी हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, तो आप प्यार मोहब्बत के मामलात हैं वो खासे सेंसिटिव होंगे, और ये ज़रूरी नहीं होता कि ये बियॉन्ड द लिमिट हो, विद इन लिमिट भी जो प्यार मोहब्बत होता है, और हर स्टेज पे हर रिश्ते में प्यार मोहब्बत मौजूद होता है, तो बी केयरफुल बचिएगा, क्योंकि ऐसा मुँह से लफ्ज़ ना निकल जाए आपके
कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई ऐसा एक्शन ना हो जाए कि गड़बड़ हो जाए। और ये सेंसिटिव रहने का मकसद ये होता है कि आपको इस दौरान एहतियात करना है। 14 और 15 अप्रैल को नेपच्यून और मरीख दस्तीस बनाएंगे, जिसकी वजह से अपने जज्बात की भरपूर अक्कासी करने में आप कामयाब हो सकेंगे, जबकि हालात में या मामलात में हकाइक पसंदी जो है, ग्राउंड रियलिटी जो है, वो नुमाया रहेगी और उसको आप अगर फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए कोई भी मामला नहीं बनेगा। 14 और 15 अप्रैल को मुश्तरी और प्लूटो तस्दीस की वजह से आपको अपनी खुद इतमादी जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के मौके मिल सकेंगे, जबकि मुस्बत फैसले करने में भी आप कामयाब रहेंगे। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पसीर हुआ। आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाजत दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। बहुत सारी नई बातें, बहुत सारे नए मशवरे और बहुत सारी स्टार मोमेंट्स जो आएंगी उसके बारे में बात करेंगे अगले हफ्ते। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।